three resistance PQR, each of 2 ohm and an unknown resistance S, form the four arm of a Wheatstone bridge. यानी कि अगर आपके पास ये है PQRS, सबकी वैल्यू उसने बोला है कि 2 ओम है, पर लेकिन उसने S की वैल्यू नहीं बताई, ठीक है. अब उसने ये बोला है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S, यहाँ पे उसने 6 ओम कनेक्ट कर दिया. अब उसने पूछा कि वैल्यू जो है एस की वो क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है. तो हमारा व्हीटस्टोन में हमारा फॉर्मूला ये होता है, ठीक. अब इनकी वैल्यूज पुट करो. एस जो है वो पैरेलली है, यानी कि वो अपोजिट जाएगा. अगर हम एस का इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ पे 1/6 ऐसे जाएगा, ये हमारी वैल्यू होगी 1/R की. तो हम यही वैल्यू ही पुट कर देते हैं, इससे कट. अब ये जो वैल्यू है उधर जाके 1 के अपॉन में जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं है. अगर ये डायरेक्टली होती तो ये, अगर मान लो S इंटू 6 होता तो डायरेक्ट में चले जाता, लेकिन ये अपोजिटली है इसलिए ये 1 के अपॉन में जाएगी. इधर आया 2, वापस कैल्शियम लो. ये वाली वैल्यू जाएगी अभी यहाँ, इसको मी कट कर देते हैं 3s 6 प्लस s, ऐसे इधर आके माइनस में जाएगा. तो जो s की वैल्यू आपकी वो जाएगी 3 ओम. आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब यहाँ पे ये वैल्यू लोगे ना, आप इसको डायरेक्टली नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करोगे कि अगर मान लो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते, ये ऐसे करके सॉल्व कर लेते, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इस वैल्यू को ऊपर कर दोगे, आप सीरीज़ वाइज चलोगे, ये बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है.